नहीं यार, के बात कर लेना चाहिए। हाँ देखो, क्या करोगे? टेंशन है ना, टेंशन है तो इसको सुधार करो। अभी रह गया है, सुधार तो करना पड़ेगा। घबराओ बहुत यार, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो जो सुनो सुनो सुनो, जो 20 घंटे तुम्हारे समय निकल रहे हैं, 20 घंटे, 18 घंटे, टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप सुबह 3 बजे उठो, मुंह तो ब्रश करो, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें जो है 3 से 5:30 के बीच में तैयार कर लो। एक गिलास पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, जाइए फ्रेश हो जाइए 1 घंटे तक, एकदम बड़े फ्रेश होगी। जो भी आप खाना चाहते हैं खा लीजिए, चना वना जो भी है। खाने बाद फिर अपना सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेटर है, कोचिंग करते हैं तो बेटर है। 6 बजे से आप जो है 8, 8:30 बजे तक फिजिक्स पढ़िए, थ्योरी न्यूमेरिकल पूरी कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर लीजिए। 6 से 9 बजे जाएंगे 3 घंटे, फिर थोड़ा उठिए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा और भी कुछ खाना वाना है खा लीजिए, नहीं तो फिर आपको मिस्ट्री निकालना कॉन्सेप्ट के साथ पाए एकदम। आप उसमें से क्वेश्चन अपने सेल्फ पूछ के क्वेश्चन वो सब चीज़ें पढ़िए। फिर 9 या 9:30 कर दीजिए 3 घंटा, फिर एकदम पूरी कॉन्सेप्ट अलग एक नोट बनाइए, टॉपिक बनाइए, आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या नहीं क्लियर होगा वो क्लियर कर लीजिए। फिर आप उठिए, बंद कर दीजिए, रिलैक्स होकर खाना खाइए, खाना बहुत चबा चबा खाइए। खाना खाते समय पानी थोड़ा बहुत जो पी लेते पी लेते हैं, फिर खाना खा लीजिए, आधे घंटे बाद पानी पीजिए। सोना नहीं है ना, दिन में नहीं, फिर आप आधे घंटे रेस्ट कर लीजिए, गाना सुनते हैं जो भी करते हैं। करने के बाद जो खाना खाने बंद नहीं था तो आप उस समय क्या कीजिए, मैं 12 हो गए 12:30 या 1:45 से 3:30 बजे तक अलजेब्रा में, ट्रिगो में, डिफरेंशियल कैलकुलस, ज्योमेट्री, जो भी आपके BSc के चारों पार्ट हैं मैथ के, एकदम पूरा हुआ तरीके से जो है 2 घंटे 2.5 घंटे एक रूल रेगुलेशन बना के अपना सॉल्व कीजिए, तैयार कीजिए। 3:30 बजे आ रहे हैं, फिर 3:30 बजे आ रहे हैं, टॉपिक तैयार कर लीजिए बढ़िया से, तो हो गया ठीक। फिर जो आपके समय बच रहा है प्रैक्टिकल का, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, कौन कौन से मिक्सचर किस मेंबर में, कैसे कैसे, कौन सा ग्रुप कौन से एलिमेंट किस मेंबर में, ये जो है 3 से 3:30 हुए हैं, 5, 5:30 बना लीजिए, 5:30 बजे। आधे घंटे के लिए जो भी आपके घर का वर्क है, सामान मार्केट करना है, बगल में दुकान है मार्केट करवा दीजिए। 6 बजे दीप जलाकर अपना काम कर लीजिए, फिर आप कह रहे हैं ना कि 6 बजे बाद आपका काम है, 6 बजे चले गए दुकान पे, आप 6 से 10 बजे तक वहाँ पे टाइम करते आ रहे हैं। 10 बजे जो भी आप बीच में कुछ खाने पीने को खा लीजिए, 10 बजे आइए तो खाना मत खाइए, जो भी आप पहले से खाया रखे हैं उसी को और उसी में एडजस्ट कर लीजिए। फिर जो है मैथ, 10 बजे गया मैथ, 2 पेपर, कोई 2 पेपर आपको जिसमें लगे समय कम दिए हैं, आपको अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा, 10, 11, 12 तक पढ़िए, खाना खाइए, फिर सो जाइए। लेफ्ट राइट सीधे
दाहिना बाएं सीधे सो जाइए कि तीन बजे गए इस तरह से बाबू तीनों घंटा एडजस्ट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से नंबर निकाल सकते हैं लेकिन आपका बेस भी नहीं कमजोर है कुछ समझ जाएंगे जब सिर्फ हिस्ट्री करना शुरू कर देंगे और उसमें अपने से क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा संडे को टाइम निकलता है आपको पास मान लीजिए संडे को संडे फ्राइडे निकालिए अपना एक जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है उसको पेंसिल से घेर लीजिए पेन से घेर लीजिए उसके बाद जो है जो आपके करीबी मित्र दोस्त या सर लोग हैं उनसे पूछ लिया कीजिए उससे पूछ लीजिए तो इस तरह से करके बहुआ पापा बहुत आगे बढ़ सकते हो ठीक है ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे यार तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन करोगे तब आलस आप पे भी नहीं होना चाहिए मैं कर रहा हूँ 3 घंटे से तो 3 घंटे से तो इस तरह से आपकी दोनों कंडीशन सुधार आएगी और बहुत अच्छे करके निकलेगा रिव्यू है हाँ तो इंटरेस्ट करते जानते हाँ तो बाबू उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा हाँ सर लोग उससे बातें कर लोगे तो जो भी है वो अंदर की बातें हैं आप इस बातों को जो है कवर करके पढ़ाई करो तभी सक्सेस बी एस सी बात एम एस सी करना चाहते हैं एम एस सी कर लो पी एच डी कर लो प्रोफेसर बन जाओ तो नीट क्वालिफाई कर लो ये सब चीज़ें जब करोगे तो एक अच्छी लेवल मिल जाएगा आजकल प्रोफेसरों की 2 लाख तक जो है हाँ मंथली है तो बताओ उतनी क्वालिटी आप लाओगे तभी बेटर कर पाओगे ना ठीक है टेंशन मत लीजिए ठीक है ओके